वेरी नाइस वेरी नाइस। ये हम लोग शादी वीक की प्रिपरेशन जो है वो करने जा रहे हैं, और मेरे घर में जब मेहमान आते हैं तो थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपको, क्योंकि कैमरे में ये नजर आता है। मुझे प्लीज वो ला के दे देंगे, मॉप ला के दे देंगे, मैं पहले मॉप कर लूँ। नो सीरियसली, आई वॉन्ट टू डू दैट यार, आई कांट सिट लाइक दिस, आई कांट सिट लाइक दिस, प्लीज ये मुझे मॉप दे दीजिए सर, मॉप दे दीजिए। अरे चले, शादी में होता रहता है, शादी ब्याह की बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। नहीं नहीं, मुझे दे दीजिए, मुझे दे दीजिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं नहीं कोई बात, प्लीज प्लीज, आप लोग मेरे घर में आए, आप लोग मेरे घर में, अरे कोई बात नहीं, अरे अरे आप हट जाइए, खुदा का वास्ता हट जाइए। अरे मौत से सांप ले लो। उसका रीजन पता क्या है? उसका रीजन ये है, मैं जियो को ये दिखाना चाहता हूँ मैं बहुत सारे और शोज भी कर सकता हूँ। सो अगर इफ एनीवन इज वाचिंग इट, प्लीज आपको घर में किसी नौकर की जरूरत है, आई कैन डेफिनेटली हेल्प जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जियो सुपर में करवाना क्लीन स्वीप, दैट्स अ नाइस लाइन। बाय द वे फजीला काजी हियर, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आपके हस्बैंड कैसे हैं? बिल्कुल अच्छे हैं, बिल्कुल अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सारा साइकिल, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? हाउ आर यू साहिब? गुड गुड, गुड सीइंग यू अगेन। आपकी चाय का? मेरी चाय बिल्कुल ये रही, और मुझे अच्छा लगा। देखिए बात क्या है कि अगर चलें कोई सफाई कर ली, हम लोग जब अपने घर में होते हैं और कोई दावत होती है और जब हम सफाई कराते हैं, ऑब्वियसली सही नहीं हो पाती तो मैं तो खुद लग जाती हूँ, मुझे कोई मसला नहीं होता, मैं आराम से झाड़ू पोछा सब कर लेती हूँ। मैं खुद भी यही करता हूँ। मैं अपनी माँ से कहती हूँ डरो मुझसे, क्योंकि मैं किसी की मजबूर नहीं हो सकती, मोहताज नहीं हो सकती अल्लाह के अलावा। मैं कहती हूँ अगर काम सही करोगे तो ठीक है, नहीं तो मैं खुद कर लूंगी। और एक पुराना अकोला है ना कि दिल जलाने से बेहतर है हाथ जला लें। हाँ वैसे सही बात है। आप कैसे हैं? ठीक है, तो इतने उदास क्यों बैठे हुए हैं? क्या हो गया? बिल्कुल उदास हैं। आपको काम करता देख के उदास हो? मुझे अच्छा, आपको दिल चाह रहा है? नहीं कोई बात नहीं, लाइए प्लीज, मेरा घर है, मैं भी कर सकता हूँ। अच्छा, सो आज का दिन कैसा गुजरने वाला है? जरा सारा का तो कुछ निकालें जी। सारा बताइए क्या मतलब, बताइए क्या, बस दिन कैसा, दिन दिन कैसा गुजरेगा ये तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, दिन कैसा गुजरेगा? अच्छा ये क्या ऐसे बताएंगे कि दिन? हाँ जी बिल्कुल ऐसे बता सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कार्ड। अच्छा, और चूंकि राजा जा चुका है इसलिए आपको अगर मेरे फोन में आवाजें आएंगी तो वो यहाँ पर, मेरा फोन ये यहाँ पर रखा है, वैसे प्लीज माइंड मत कीजिएगा, लाइट फोन। हाँ जी, सारा सुबह यानी जो बिगनिंग है वो जबरदस्त है, हार्मनी है उसमें, वो तो है, पार्टनरशिप है और वो बहुत अच्छा जा रहा है। ठीक है, अच्छा मिड में यानी कि दोपहर में आपके पास अगर कोई प्लानिंग है तो आपको वो कैंसिल करनी चाहिए, क्योंकि उसमें मुझे कोई ज्यादा अचीवमेंट होती नजर नहीं आ रही है। बहुत प्लानिंग है, ऐसे क्यों बोल रहे हैं? हाँ, कोई एक चीज में मुझे गड़बड़ नजर आ रही है आज दोपहर में, मगर शाम जी कार्ड है, कार्ड है, और जो शाम है वो उससे ज्यादा अच्छी है, यानी आपसे सुबह से ज्यादा अच्छी है। ठीक है, कोई नई चीज आपको मिल सकती है, मगर दोपहर में सिर्फ एक छोटी सी नेगेटिविटी है, वो उसको क्रॉस कर लें इंशाल्लाह शाम। मतलब 3 बजे देखिए हम, ये अब तक मैं समझ रहा हूँ सुबह है। ठीक है, हाँ 1:30-2 बजे के बाद। उदास कर दिया आपने मुझे, मुझे नहीं करना चाहिए था, मगर कार्ड, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन कार्ड ऐसा, लेकिन शाम तो अच्छी हो जाएगी ना। हाँ, शाम तो, शाम इज गोइंग टू बी गुड। अच्छा नहीं, देखिए अगर आप अपनी दोपहर को भी अच्छा करना चाहती हैं, अगर कोई नेगेटिविटी है भी तो जो पॉजिटिव एनर्जी है वो ज्यादा हमेशा पावरफुल होती है, तो आप अपने अंदर की पॉजिटिव एनर्जी को बाहर निकालें तो नेगेटिव एनर्जी वैसे ही असल में मेरा कहने का मकसद था कि इनके पास कोई ऐसा काम है जिसमें इनको थोड़ी सी उम्मीद है और उससे इनके इमोशंस पे ऑब्वियसता है कि ये हो जाना चाहिए। इमोशन नहीं है मेरे, हाँ इमोशन से इमोशनलेस है। देखें इमोशनलेस हूं मैं। देखें अगर मटेरियल आपके पास सेटिस्फेक्शन भी है कुछ तो उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है। ठीक है ठीक है, अच्छा फजीला मेरा मत निकालिएगा, क्या मतलब है? क्या नहीं यार, ये क्या है मतलब, मैं अपना भी निकलवाऊंगा, इसलिए कि मुझे इन चीजों पे बिल्कुल वो नहीं है। आई एम सो सॉरी। तो ये हर काम इनसे पूछ के नहीं करती? चले निकाले, चले चले एक एंजॉयमेंट करते हैं। ठीक है, देखिए मैंने सिर्फ एक ही कार्ड निकाला इनके लिए, और ये बहुत 2 ऑफ कॉइंस का कार्ड है। कॉइंस पेंटिकल्स को कहते हैं, मटेरियल को कहते हैं, और चीजों को मटेरियलाइज करने को कहते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स का मकसद है कि आप अपनी कुछ रिसोर्सेज जो है ना उनकी जगलिंग करें, आप नहीं कर रही, आपने अपने आप को रोका हुआ, बंद किया हुआ है, उनकी जगलिंग करने का मशवरा दे रहा है। और ये जो कार्ड है इसको मैं आपको शो भी कर रहा हूँ, ये जगलिंग करने को कह रहा है कि थोड़ा आप उसको आगे लेकर आइए। ठीक है, अच्छा मेरा कार्ड तो निकालो, आज मेरी जिंदगी में क्या तब्दीली आने वाली है? सुबह दोपहर शाम रात चार कार्ड, चार निकाले इनके। अच्छा क्योंकि निकाले जल्दी चार। अच्छा इनके चार से ज्यादा होंगे, उसकी वजह ये है कि इनकी रात रात को 4 बजे खत्म होती है, मतलब 4 बजे वाला भी निकाल लें, वाला भी।
अरे सच में ये चार पांच निकाल रहे हैं? हाँ सब निकलेंगे। अच्छा ये तो बेईमानी है ना, मतलब अगर कोई मेजबान है तो उसके चार निकलेंगे। नहीं इनका इनका दिन रात बहुत बड़ा होता है। नहीं मैं सच बताऊँ मेरा दिन खत्म ही नहीं होता। अच्छा। मुझे लगता ही नहीं कि लोगों के दिन होते हैं 24 hours and it's done। मैं तो रात को 10 बजे के बाद किसी को नहीं पहचानती। मैं तो सो जाती हूँ। कैसे मैं किसी को पहचानती है ना? हाँ वो है, मगर मेरे घर में जो मेहमान आ रहे हैं 11 बजे घर पे आते हो आप कौन? नहीं नहीं मैं तो मैं इस घर में रहता हूँ, मैं सो रही हूँ। 10:30 बजे के बाद ये एक्सप्रेशन होता है मेरा कि हेलो क्या हो गया, इतनी देर क्यों? मतलब लाइक मैं बड़ी वो इस मामले में, रात को मेरा घर जो है ना टंडो आदम बन जाता है, कोई एक गाँव बन जाता है बिल्कुल। वाकई? हाँ हाँ जी सर। देखें एक कोई चीज ऐसी है जिसमें आप अनडिसिशन होते हैं, हो रहे हैं इस वक्त, ठीक है, आपसे फैसला नहीं हो रहा है। अच्छा। ठीक है, और जो दूसरी जो सूरत हाल है वो ये है कि आप उससे पीछे हट रहे हैं। अगर मैं पीछे हट रहा हूँ? हाँ पीछे हट रहे हैं, आपसे फैसला नहीं हो रहा, फिर आप कह रहे हैं कि छोड़ो चलो इसको कोई और चीज देखते हैं हम। इसके बाद आपके पास शाम की जो मसरूफियत है, रात की जो मसरूफियत है कुछ ज्यादा है, कुछ ज्यादा है, और हो सकता है कि वो डोमेस्टिक हो। डोमेस्टिक हो भाई क्या मतलब है डोमेस्टिक हो? डोमेस्टिक तो हर रोज होती है इनकी। देखिए मैं समझता हूँ कुछ आज आज के जो चार्ट में इनकी घरेलू मसरूफियात कुछ ज्यादा नजर आ रही है। अच्छा। आज खाना वाना बनाने वाले तो ज्यादा झूठा आदमी में से मैंने जिंदगी में नहीं देखा। मेरी डोमेस्टिक मसरूफियात मैं डोमेस्टिक ही नहीं हूँ। देखें आपकी आपने कह दिया ना कि आज शाम को है ही नहीं, ठीक है, मगर नहीं पता कि क्या होगा। अच्छा वाओ। अच्छा चले वैसे डोमेस्टिक कैसे हो सकता है यार, पॉसिबल ही नहीं है डोमेस्टिक। हो जाएगा देखें, ऐसे हो जाएगा, जरूर हो जाएगा, है जो। हाँ अच्छा अच्छा जो जो डिसीजन मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ। वो क्या है? ये तो मैं नहीं बता सकता, आप मुझे कोई अपने जहन में बताइए तो मैं यस एंड नो करूं। मैंने एक चीज सोच ली, यस एंड नो। हाँ यस एंड नो, यस एंड नो, यस है। चाय पीने का सोचे थे, यस हो गया पी लियो। तो अपने लिए कभी निकालते हो? पहले बहुत ज्यादा निकालते थे, अब नहीं, जब सीखते थे। चले आज अपने लिए भी निकाल। नहीं मैं निकालता हूँ आपका। हाँ आपको मैं निकालता हूँ, आपको मैं निकालता हूँ। हाँ हाँ तुमने अपने जहन में यस एंड नो सोच लिया? जी सोच लिया है। मैं दिखाता हूँ। ओहो सक्सेस ओवर अ लाइफ टाइम, पूरी उम्र कोशिश करो फिर शायद हो जाएगा। नहीं, बहुत ही प्यारा कार्ड है, बहुत पॉजिटिव कार्ड है जो। अच्छा, मैंने सोचा था really? वो हो जाएगा और सुकून से हो जाएगा। हाँ। और लाइफ टाइम के लिए। लाइफ टाइम के लिए जी। वाओ वाओ। अच्छा ये बताओ T20 वर्ल्ड कप कौन जीतने वाला है? अभी पता चल जाएगा T20 वर्ल्ड कप कौन जीतेगा। देखूं या ना देखूं? है? उसमें तो देखती नहीं। अरे मैंने एक एड देखा उसके अंदर था कि जिन्नात के जरिए T20 वर्ल्ड कप की प्रेडिक्शंस। मतलब अब जिन्नात आई एम नॉट किडिंग सीरियसली, जिन्नातों को और कोई काम नहीं रह गया। ऑक्टोपस जो करता था है? एक ऑक्टोपस भी था। वो ऑक्टोपस भी था बेचारा, फुटबॉल की प्रेडिक्शंस करता था, मर ही गया बेचारा। जिन्नात आ गए होंगे ना उसमें भी। हाँ जी T20। पहले तो मैं बताऊँ की मुझे क्रिकेट से बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं है, आप मुझे टीम्स के नाम बताएंगे तो मैं। क्या पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप जीतेगा? हम क्या ईरान की टीम को बोल रहे हैं? पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान की जी। अब देखना जवाब जवाब देखेगा। ये मुझे ऐसे लग रहा है, देखें ये दोनों कार्ड बहुत अच्छे आए। अच्छा हाँ, मगर जो पहला वाला कार्ड है वो मेहनत से ज्यादा दुआओं का है। अच्छा जो दूसरा वाला कार्ड है, पाकिस्तान की टीम तो हमेशा से दुआओं पे चल रही है, मेहनत करते कम है बेचारे, बस हम दुआएं मांगते रहते हैं सारे मुसलमान भाई बैठ के। ठीक है, जो दूसरा वाला कार्ड है वो भी बहुत अच्छा है और वो भी सपोर्ट कर रहा है कि हो सकता है पाकिस्तान। इन दोनों कार्डों में एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं है, कोई भी कार्ड नेगेटिव नहीं नहीं आया। ओके सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि पाकिस्तान जीत जाए। बिल्कुल हो सकता है। ओके अच्छा साहिल वैसे एक बात मुझे बताएं, लेकिन सीरियसली हम ठीक है, हम बड़े पाकिस्तानी हैं, हम हमें पाकिस्तान से प्यार है, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं ना कि जो मेहनत नहीं भी कर उसके लिए भी हम दुआएं मांगते रहें। हमारी कौम ने अक्सर कब से इसी तरह से जीते हैं। हाँ। औरतें मुसल्ले पे बैठ जाती है, दुआ मांग लेते खुदा का वास्ता। हाँ। अल्लाह मियां कहते लो जाओ जान छोड़ो, मतलब दुआएं नहीं मांगते। एक छोटा सा ब्रेक है। हाँ, ब्रेक के बाद we'll start from here. Of course, फजीला काजी इज हियर, सारा सैगल इज हियर, और मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा एक ऐसे शख्स से जो इससे पहले भी शो में आए थे, लेकिन उनका पैकेज पहले हम आपको दिखाएंगे, फिर हम आपको मिलवाएंगे उस शख्स से जिनका इलाज हो गया है एंड अब माशाल्लाह इज ऑल हेल्दी। एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद।